लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भोजगेन्द्रहारं सदा वशंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजमन कृशानुना ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणारामधीशं रघुपति प्रियभक्तं बात जातं नमामि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा करहुं सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 हरि शरणम भक्त वंशा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की माति कृपा से करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भवार्थ सहित पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व मैंने बालकांड के दोहा संख्या 60 तक आप लोगों को भवार्थ सहित पढ़ा और सुनाया। आज हम दोहा संख्या 61 से प्रारंभ करेंगे, 5 दोहे सुनाएंगे पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में लिखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। तो चलिए हम चलते हैं। पीता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। ये सती माँ कह रही हैं भगवान शंकर जी से। कहहु नीक मोरहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमारे बयर तुम्हारी बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने दक्ष राजा ने उन्होंने नेवता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है।
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेही तेरा जाहू करही अपमाना जो भी नुभो बोले जाहू भवानी जो भी नुभो बोले जाहू भवानी रही नसीलु सनेहु नकानी। शंकर जी कह रहे हैं एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे उसी से वे अभी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी जो तुम बिना बुलावे जाओगी तो न सील सने ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जाइ अबिनु बोले हूँ न संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल ल्यानु न होई। शंकर जी कह रहे हैं यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बसना ज्ञान उर आवा कह प्रभु जा हूँ जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रही नक दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग सब विदा की नेत्रपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहु मुस्काता। माँ सती जो अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आभगत नहीं की केवल एक माता भले आदर से मिली बहने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सती ही बिलो की जरे सब गाता सती जाई देखाऊ तब जागा कतहु न देखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुशल क्षेम तक नहीं पूछी सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमानु समझि हृदय पाछिल दुख न हृदय से व्यापा जस ये भयउ महापरितापा।
तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति का परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना समझ जसो सती भयवती क्रोधा बहु विधि जननी किन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध शकल सब ही हटी हता हटकी तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा कहीं सुनि जिन्न शंकर निंदा सो फल तुरत लाभ सब काहू भली भांति पछिताब पिता हूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभु संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय सहता असी मर जादा काटियता सुजीव सो बसाई श्रवण मोदिना तर चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगत मता जगत जगदम जग जगदतमा महेश पुरारू जगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मति निंदित ते ही तक्ष दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजियहु तुरत देह तेहि हेतु उर्धर चंद्र मौल वृष केतु अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल महाकारा। तजियहु तुरत देह तेहि हेतु उर्धर चंद्र मौल वृष केतु अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मखहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारा यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन लगे कर खमख सीखीस सती मरनु सुनि शंभुगन लगे कर नमक खीस यज्ञ बिंधन से बिलोकी भृगु रक्षा किन्नी मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र करी कोप पठाए जग विदंत जाय तिनकी ना सकल सुरन विधिवत फलु दिन्ना
यह जब समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यह विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास जग सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। वो स्वामी जी कहते हैं कि दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। ते ही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गिर जा गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह जाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मे तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों के जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनका उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नौ नाना जाति, अप्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहाऊं, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिर जा गृह आए, जिम जानू राम भक्ति के पाए। नित्य नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा स्वाभिमान हो रहा है जैसा स्वाभिमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त स्वाभिमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौत कहेंगे कहेंगे सिधाए। नारद समाचार सब पाए, कौतु कहीं गिर गे सिधाए। सैल राज बड़ा आदर किन्हा, पद पखारी बस आसन दिन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, सूता बोली मैं मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। तो
आप सबने दोहा संख्या 60 से 61 से 65 तक के बालकांड की रामकथा सुनी। तो अगला अंक में हम हिमाचल के यहाँ नारद जी के आगमन की कथा सुनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट में अपना मंतव्य जय सियाराम जय सीताराम लिखकर दें। सादर जय सियाराम। आप सब पर राघव जी की कृपा बनी रहे। सादर जय सियाराम।